हाय गाइस, देखो अभी ऑलमोस्ट आधा आईपीएल खत्म हो गया है। ठीक है, पता नहीं कि आप लोग का लॉस है या प्रॉफिट, लेकिन बट चांस तो यही है कि 80-90% पंटर का लाइक लॉस ही होगा। ठीक है, देखो गाइस, जो बचे आईपीएल है, अगर उसमें आपको बचना है तो मतलब जो मैं आपको एक बात बोलूंगा करने के लिए, आप वो करो। ठीक है, तो आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मतलब आपके प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट नहीं भी होगा तो लॉस तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या, चलो मैं आपको आगे इस वीडियो में समझाता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, ट्रस्ट वेरिएबल्स, नेवर गो अगेंस्ट वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक बुकलेट ऐसे बनानी है जिसमें वेरिएबल्स की, वो आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको, ठीक है, तो आपको एक ऐसी बुकलेट बनानी है जिसमें आपका मतलब लेफ्ट साइड होगा वेरिएबल्स, ठीक है, और राइट साइड होगा आपका स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल्स होते क्या हैं, देखो पहले भी मैं एक वेरिएबल्स के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ एक्चुअली में। तो देखो गाइस, वेरिएबल्स का मतलब है वो सारे फैक्टर्स, वो सारे वेरिएबल जिनके ऊपर एक मैच कैसा होगा, लाइक हाई स्कोरिंग मैच होगा, लो स्कोरिंग होगा, चेजिंग घोड़ा होगा, मतलब चेजिंग जैकपॉट होगा या डिफेंडिंग जैकपॉट होगा, वो आप वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं फिक्सिंग होती है, फिक्सिंग होती है, बट फिक्सिंग का तो मतलब आपको अगर होती भी होगी तो वैसे तो मेरे को लगता है नहीं होती, और अगर होती भी होगी तो आप हम जैसे लोगों को कभी पता नहीं चलेगा। तो हमारे पास है क्या जिससे हम पकड़ सके कि आज का मैच जैकपॉट है या कैसा होगा वो मैच, ठीक है, हाई स्कोरिंग होगा, लो स्कोरिंग होगा, वो कैसे पकड़े, तो वो हमको हेल्प करेंगे ये वेरिएबल्स, अगर हमारे पास वेरिएबल्स है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला मतलब वेरिएबल्स मैच किस किस पर डिपेंड करता है, पिच सबसे बड़ा वेरिएबल है, पिच। ठीक है, अगर पिच बैटिंग पिच है तो हाई स्कोरिंग मैच होगा, अगर स्लो पिच है तो वो लो स्कोरिंग मैच होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है मतलब, और किस पिच पे किस टाइप के मैच होते हैं ये मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में समझा चुका हूँ, मेरी सारी वीडियोस जाके देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस चलो फाइनली मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको एक ऐसी बुकलेट बनानी है, ठीक है, हर एक मैच से पहले आपको वेरिएबल्स भरने, ठीक है, कि पिच कैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये आपको पता लग गया है कि जैसे हैदराबाद की पिच थोड़ी स्लो होती है, ठीक है, बैंगलोर की पिच बैटिंग पिच होती है, दिन में वो थोड़ी ड्राई पिच होती है, स्लो पिच होती है, वो आप कॉमेंट्री सुन के या फिर आप मतलब देख के भी आप पता कर सकते हैं। तो आपको पहला आपको ये वेरिएबल भरना है कि पिच स्लो है कैसी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्लो पिच है, आप फॉर एग्जाम्पल बैटिंग पिच है, ठीक है, तो यहाँ पे आप भरेंगे बैटिंग पिच। ठीक है, फिर ग्राउंड डायमेंशन, ठीक है, कि ग्राउंड डायमेंशन कैसा है, छोटा है, बड़ा है या फिर कैसा है। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्राउंड डायमेंशन, आप चलो बैंगलोर की बात करते हैं एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे बैंगलोर के बीच ज़्यादातर बैटिंग होती है, ग्राउंड ग्राउंड डायमेंशन स्मॉल होती है। ठीक है, तो स्मॉल लिख लेंगे। शाम के टाइम पे ड्यू फैक्टर भी पड़ता है तो ड्यू का चांस है। ठीक है, ये आपने तीन वेरिएबल भर दिए। फिर आपको भरना क्या है, फर्स्ट बैटिंग, ठीक है, फर्स्ट बैटिंग मतलब कोई फॉर एग्जांपल कोई भी बैटिंग कर रही है तो उसके बैट्समैन कितने फॉर्म में है, उस बैटिंग में डेप्थ कितनी है, और एक्स फैक्टर बैट्समैन कितने हैं, और ओवरऑल बैटिंग कितनी है, वो मैं यहाँ पे डालना भूल गया, तो ओवरऑल बैटिंग कैसी है उनकी, ये आप यहाँ पे लिख लो। फिर जो फर्स्ट बॉलिंग कर रही है उसके पास एक्स फैक्टर बॉलर कितने हैं, ओवरऑल बॉलिंग कैसी है उनकी, ये लिख लो। तो ये आपका फर्स्ट इनिंग का हो गया। फिर सेकेंड इनिंग अगर कुछ टारगेट मिल गया तो फिर आपको देखना है कि लाइक वो सेकंड इनिंग में चेज हो सकते हैं या नहीं, मतलब तो वो आपको कैसे पता लगेगा कि सेकंड बैटिंग का भी फॉर्म कैसा है। ठीक है, कि मतलब सेकंड बैटिंग में कितने बैट्समैन फॉर्म में, तीन या चार, डेप्थ कितनी है, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी वेरी गुड डेप्थ है, मान लो अगर चेन्नई की बैटिंग आ रही है सेकंड, तो वेरी गुड डेप्थ है, एक्स फैक्टर बैट्समैन दो या तीन है, ओवरऑल बॉलिंग जो सेकंड करने आ रही है बॉलिंग उसकी कैसी, तो आप ये सब पूरे वेरिएबल्स भर लो। जब आप मैच से पहले टॉस के बाद ये वेरिएबल भर लोगे तो आपको गाइस दो चीज करनी है, ठीक है, एक तो आपको ऐसे लिखना है पीई, पीई मतलब परफेक्ट एंट्री, ठीक है, परफेक्ट स्पेलिंग आई गेस सही है, ENTRY। ठीक है, आपको एक स्क्रिप्ट बनानी है, स्क्रिप्ट मतलब कि परफेक्ट एंट्री मैच में कहाँ पे आ सकती है, आपको अपने हिसाब से पिच को देख के मतलब आपको अपने हिसाब से एक मैच से पहले लिखनी है कि मैच में परफेक्ट एंट्री कहाँ आ सकती है जहां पे मैं एंट्री लूंगा। अगर आप मैच से पहले लिख लोगे ना तो आपके बहुत सारे चांसेस हैं कि आप मतलब वेट करोगे उस परफेक्ट एंट्री के। अगर आप बिना लिखे बिना कुछ भी एनालिसिस किए अगर मैच में कूद जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लाइक कुछ भी मतलब कहीं पे भी एंट्री ले लोगे। अगर आपके पास एक प्लान होगा ऑलरेडी कि हाँ मेरी परफेक्ट एंट्री, दो तीन परफेक्ट एंट्री लिख लोगी, एक ये कि मान लो पहली टीम के दो विकेट गिर गए तब मैं लूंगा, दूसरी अगर मान लो इतना उन्होंने टारगेट दिया तब मैं चेस करवाऊंगा या डिफेंड करवाऊंगा, वो अपने वेरिएबल्स के हिसाब से देख के। ठीक है, तो आप ऐसा लिख लो तो आपको इससे क्या होगा, परफेक्ट एंट्री लेने में आपको एक हेल्प होगी, ठीक है, कि आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। दूसरा आप एक ये चीज भरो सीसी, सीसी मतलब कोलैप्स चांसेस, कि कौन सी टीम के कोलैप्स के चांसेस हैं ये आप लिख लो। फॉर एग्जांपल जैसे डीसी की बैटिंग बेकार है, ठीक है, तो
तो आपने लिख लिया कोलैप्स का चांसेस ये है, अगर डीसी की फर्स्ट बैटिंग करने आई तो बहुत ज्यादा चांसेस के शुरू किया पावर प्ले के दो ओवर में, अगर उनकी दो विकेटें गिर गई तीन चार ओवर के अंदर तो उनकी पूरी विकेटें गिर जाएंगी, ये कोलैप्स के चांसेस है। ठीक है, तो आप ये लिख लो कि अगर मान लो डीसी के दो विकेटें गिर गए मैं कभी भी उस टीम पे पैसे नहीं लगाऊंगा चाहे कितना भी रेट हो, क्योंकि वो कोलैप्स के चांसेस है। ऐसे दो या तीन कर लो आप कि फॉर एग्जाम्पल अगर राजस्थान और दिल्ली का मैच है और राजस्थान ने 210 मार दिए, ठीक है, और दिल्ली चेज करने आ रहा है, तो मैं चेज नहीं करवाऊंगा क्योंकि वहां पे कोलैप्स होने के चांस है, क्योंकि दिल्ली की बैटिंग अच्छी नहीं है। या फिर दूसरी टीम के लिए भी आप जो भी अपने वेरिएबल्स भरोगे उसके हिसाब से ऐसे आपको ये बनाना है, सीसी मतलब कोलैप्स चांसेस, COLLAPSE कोलैप्स चांसेस, CHANCE, चलो जो भी स्पेलिंग है यार, ठीक है। तो मतलब आपको ये बनाना है स्क्रिप्ट, ठीक है, कि परफेक्ट एंट्री कब आएगी और कोलैप्स मतलब कोलैप्स चांसेस ये कब होगा। अगर आप ये दोनों चीजें लिख लोगे मैच से पहले तो गाइज आपको मैच में आपको बहुत हेल्प करेगा ये, क्योंकि मैच के टाइम तो आपको आप एक डिफरेंट आदमी होते हो, जब आपके पैसे लग गए होते हैं तब तो आपको मतलब कोई होशो हवास इतना होता नहीं, आपका माइंड एकदम काम तरीके से मतलब कूलली काम नहीं करता। ठीक है, मैच से पहले आपका एकदम कूल तरीके से काम करेगा, और आपको भी पता है जिसका दिमाग कूल तरीके से काम करता है वही जीतता है। फॉर एग्जाम्पल धोनी और विराट कोहली देख लो कितना गर्म रहता है, कितनी वो ट्रॉफी जीता है वो भी देख लो, और धोनी कितनी ट्रॉफी जीता है वो भी देख लो। ठीक है, बाकी ये सब जो है ये है कि PE मतलब जैसे ये सब जो है ये आप अलग से कि PE के मतलब परफेक्ट एंट्री आई या नहीं आई, वेटेड फॉर PE कि मैंने परफेक्ट एंट्री का वेट किया नहीं किया, और मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट लॉस क्या रहा, तो ये आपका एक मतलब हिसाब किताब रहेगा, और ये जो कि आपको रखना भी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, एक बनिया भी अगर अपनी दुकान पर कुछ बेचता है ना, अगर अंडे भी बेचता है चाय भी बेचता है, तो उसके पास भी पूरा हिसाब होता है, तो आपको भी हिसाब रखना चाहिए कि आज मैं कितना जीता, कितना इन्वेस्ट किया था, कितना मैं प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा। तो गाइज इस कहने का मतलब यही है, वेरिएबल्स बनाओ, ठीक है, उसके हिसाब से एक स्क्रिप्ट बनाओ। ठीक है, स्क्रिप्ट में परफेक्ट एंट्री लिखो, कोलैप्स चांसेस लिखो, तो आपको मैच के टाइम पे बहुत आसानी होगी डिसीजंस लेने में। ठीक है,